एंड वेलकम बैक सो अगर आपने अभी तक इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको उसे देख लेना चाहिए सो लेट्स बेकिंग द एक्सप्लेन इस पार्ट में उसी मुसी स्टॉल कर वो देखते हैं जो कि रिशा से कह रहा होता है कि अब हम हाइड एंड सीखिला बंद कर दें दरअसल मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ यू लुकिंग ब्यूटीफुल क्या तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहोगी मैं काफ़ी अच्छा इंसान हूँ तभी रिशा उसे डर रही होती है और कहती है यहाँ से दूर चले जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा इसके बाद वो पास आता जाता है कहीं पर रिशा कहती है कि वो कितनी यूजलेस है कि हेल्प तक नहीं कर सकती इसके बाद वो कहती है कि ठीक है वो अपनी हेल्प करेगी और वो कुछ सामान उठाकर मारने के लिए होती है इतने में वो इंसान चाकू निकाल लेता है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी और साइको तो देख ही रहा है इसके बाद ऋषा और भी ज़्यादा डरने लगती है और उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं इसके बाद वो कबड़ में घुसती जाती है और वो इंसान उसके पास आ ही रहा था इतने में ही हमारे हीरो मिस्टर हीरो तो की एंट्री होती है यहाँ पर वो उस स्टॉकर को पकड़ते हैं और उसे पटक पटक कर काफ़ी ज़्यादा मारते हैं कि हिम्मत कैसे हुई उनकी गर्लफ्रेंड पर हाथ भी डालने की यहीं पर ऋषा अभी तक डरी हुई थी और उसे कुछ भी पता नहीं था कि आखिर क्या हो रहा है और वो क्या एक्शन ले इसके बाद ऋषा डरी हुई तो बैठी थी इसके बाद यूश की उसका हाथ पकड़ कर उसे कम्फर्ट करता है

इसके हवाले कर, कर के पास आता है और वो ऋषा को गले लगाता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें अकेले ऐसे कहीं पर नहीं जाना चाहिए और कोई भी बात हो तो मुझे बताना जरूरी है उस टाइम तो मुझे कुछ बताना चाहती थी और मुझे ये सब पहले ही पता चल गया था सो बी अलर्ट कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं समझा करो कि कुछ गलत होने वाला है इसके बाद वो रेशा को गले लगाता है आप फिर ये दोनों घर जाते हैं यहाँ पर रिशा अभी भी उस इंसिडेंट से उभर नहीं पाई थी इसके बाद हिरोतो उसे गले लगाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे और दूर रहूँ जब रेशा और हेरोतो खड़े होते हैं इसके बाद यहाँ पर फायर वर्क स्टार्ट होता है इसको देख कर रेशा का थोड़ा मन बहल जाता है और वो कहती है कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है अभी यहाँ पर हिरोतो कहता है कि नहीं उसने इसका ऑर्डर दिया था कि उसे आज फायर चाहिए आसमान में इसके बाद ऋषा हिरोतो को थैंक यू बोलती है कि उसकी जिंदगी में आने के लिए हिरोतो उससे थैंक यू बोलता है बिकॉज ऋषा के के आने बाद उसका अकेलेपन बिल्कुल दूर हो गया ना पर हिरोतो बताता है कि वो हमेशा अकेला रहता था कि उसकी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं थी दरअसल वो अपने काम में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं था कि लव लाइफ होती क्या है बट ऋषा के आने के बाद उसे सब कुछ पता चल गया कि किसी की केयर कैसे की जाती है और किसी के लिए हम इतना ज्यादा परेशान कैसे होते हैं जब मैं ट्रिप पर था तो मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि आखिर तुम कहाँ पर हो कैसे हालत में होगी पैसे मुझे कभी भी कभी भी अपने बिजनेस ट्रिप में अपने काम के अलावा कुछ भी याद नहीं आता बट मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई रिशा उसे गले लगाती है और कहती है कि वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा मिस करती है तो उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में रहें यहाँ पर रिशा इसके लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि वो यूज़लेस है उसे कुछ भी नहीं आता तभी यहाँ पर हेरू तो कहता है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है तभी वो कहती है कि उसे खाना बनाना भी नहीं आता हेरो तो कहता है कि एक्सेप्टेड तभी तो कहती है कि उसे दरअसल लॉन्ड्री और बाकी क्लीनिंग भी नहीं आती हेरो तो कहता है कि वो भी एक्सेप्टेड है तभी तो कहती है कि वो एकदम यूजलेस है हेरो तो कहता है कि ये हो ही नहीं सकता बिकॉज रेशा काफ़ी हार्ड वर्किंग है तभी हिरो तो उसे किस करता है और कहता है कि अब वो हम कल से एक साथ रहना स्टार्ट करेंगे कल भी और कल के बाद भी मतलब हमेशा मैं तुम्हें कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा इसके बाद रिशा और नाचान को देखते हैं यहाँ पर रिशा नाचान को टीस करती है कल वो अकदसू के साथ बाहर गई थी और उसके बाद इन दोनों में क्या हुआ इसके बाद नाचंद शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे टीस करना बंद करो इसके बाद रिशा तो रुकती नहीं है और कहती है क्या तुम्हें अकदसु पसंद आया इसके बाद नाचान भी शर्मा जाती है दरअसल उसे अकद्सू काफी ज़्यादा पसंद आया रिशा अगले दिन से यूजलेस नहीं बनना चाहती थी साथ वो काम करना स्टार्ट करती है यहाँ पर हीरो तो उसे देखकर सरप्राइज होता है और कहता है कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है मैं तो हूँ और तुम्हें ये सब करना भी नहीं आएगा तुम काफी ज़्यादा चाइल्डिश हो यहाँ पर रिशा कहती है कि वो जल्दी बड़ी होना चाहती है और वो ज्यादा चाइल्डिश नहीं है रिशा के ना मानने पर हीरो तो उसे काम सिखाना स्टार्ट करता है और सबसे पहले हम लॉन्ड्री से स्टार्ट करते हैं इसके बाद उसे लॉन्ड्री में ले जाता है और वहाँ पर उसे सारा सामान करना सिखाता है इसके बाद उसे कबर में ले जाता है कि यहाँ पर सामान कैसे जमाया जाता है और टॉवल्स कहाँ रखे जाते हैं आफ्टर दैट वो यहाँ पर क्लीनिंग करने लगता है उसके बाद रिशा पर आ जाती है और कहती है कि वो क्लीनिंग कर देगी उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है तभी हीरो तो कहता है कि तुम जाओ और कोई और काम करो जो कि काफी तक इंपॉर्टेंट है इसके बाद रिशा वहां से चली जाती है हीरो तो अपने काम से काफी ज्यादा टायर्ड तो हो गया था और रिशा को ये बात समझ में आ रही थी बट वो सोच रही थी कि हीरो तो उसे कुछ करने देता ही नहीं है तो अब वो क्या करे अगले दिन हीरो तो जब अपने काम पर निकलता है तो वो गेट पर ही गिर पड़ता है दरअसल उसकी हालत काफी तक खराब थी जब यूकी उसका फीवर चेक करता है तो उसका फीवर काफी हाई था और वो कहता है कि रिशा तुम्हें ध्यान

अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ मत करो मुझे पता है कि तुम कर सकती हो बट ये हार्ड है आफ दैट वो वरतों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है यहाँ पे हेरोतो कहता है कि तुम्हें भी फीवर हो सकता है तो मेरे आसपास मत आओ इसके बाद ऋषा को मास्क पहनाता है और कहता है कि ये तुम्हें बचने में हेल्प करेगा यहीं पर हेरोतो कहता है कि पहली बार है जब उसकी बीमारी में किसी ने उसकी इतनी ज़्यादा केयर की है वो काफ़ी ज़्यादा टचड है वो भी ऋषा की वजह से अब ऋषा कहती है कि वो पहली बार किसी काम में आई दरअसल हेरोतो ने उसे हर टाइम बचाया है बट वो हेरोतों का कोई भी अच्छा काम कर ही नहीं पाई इसलिए वो चाहती है कि वो हेरोतों के पास रहे और उसके जो एहसान है उनका कुछ तो हिस्सा वो चुका सके। पर तो कहता है कि उसने एहसान नहीं किया है दरअसल रिशा उसकी जिंदगी का हिस्सा है तो तो को दिखता है जिसको किसी लेडी का कॉल आता है और इसके बाद हिरो तो कहता है कि आपको मेरी जिंदगी में दखल करने की जरूरत नहीं है जब रिशा घर में एंटर करने के लिए होती है तो उसे बाहर एक मिडिल एज वूमन दिखती है और एज ए ऑडियंस हमें यह बताया जाता है कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि हिरो तो की, की मॉम है कि वह रिशा उन्हें घर में एंट्री देती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि दरअसल हिरो तो और उसकी मॉम की जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते दरअसल उसकी मॉम उसे विज़िट करती है पर हरो तो उन्हें इग्नोर करता है बिकॉज उसकी मॉम की वजह से उसकी ज़िंदगी खराब हो रही है दरअसल उसकी मॉम ने उसकी हाई स्कूल में ही उसके डैड से डिवोर्स ले लिया था इसके बाद हिरो तो उन्हें पसंद नहीं करता एट वो रिशा से कहती हैं क्या तो मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगी यहाँ पे रिशा मना नहीं कर पाती बिकॉज कुछ हो लेकिन वो उसकी मदर इन लॉ है ये एक बार में जाते हैं जहाँ पर लड़के उसे घेरे हुए थे यहाँ पर रिशा कहती है कि वो किस जगह आ गई जब वो बाहर निकल दिए तो हेरोतो ने कॉल कर 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 उसकी पूरी कॉल लिस्ट भर दी थी जब वह हेरोतो को कॉल कर दी तो हेरो तो वहाँ पर रामकता है और कहता है कि तुम्हें मुझे बिना बताए यहाँ पर नहीं आना चाहिए इसके बाद हेरोतो की मोम मुझसे अप्रोच करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम यहाँ से ऐसे ही चले जाओगे तो मैं तुम्हें, 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 तुम्हें परेशान करती रहूँगी यहाँ पर हम बता दें अडल्ट बार है जहाँ पर लड़कों को होस्ट बनाकर लड़कियों को रिझाया जाता है इसके बाद वो 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 से कहती हैं कि तुम्हें आज रात का होस्ट बनना होगा इसके बाद हेरो तो रिशा के लिए तैयार हो जाता है अगर वो नहीं होता तो उसकी मोम रिशा को हमेशा परेशान करती रहती हूँ हेरोतो को भी ये पर रिशा को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हेरो तो किसी और लड़के के साथ हैंग आउट करे इसके बाद जब सारा काम खत्म हो जाता है तो हीरो तो रिशा के साथ जाने लगता है बट उसकी मोम उसकी मोम की हालत खराब हो जाती है तभी रिशा लौट कर आती है और उनका ख्याल करती है बाद वो हेरोतो की मोम से कहती है कि आपको हीरो तो से बात करनी चाहिए जब उसकी मोम रियली ही हेरो तो से डीपली बात करती हैं और उन सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती हैं कि उनकी फैमिली को चलाने के लिए उन्हें कुछ तो करना था इसका हेरो तो भी उनकी बात सारी बात समझता और कहता है कि मैं आपको हिट नहीं करता सर आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए एंड मुझे अपनी जीने दीजिए मेरे पास रिशा है और मैं इसी में खुश हूँ घर जा रिशा और हिरोतो में काफ़ी इमोशनल बातें होती हैं इसके बाद सुबह यहाँ पर हम यूकी को देखते हैं जो कि घर पर आता है और हेरोतो से कहता है कि वो यहीं पर रहने वाला है इसके बाद वो रिशा की हामी भी लेता है तभी रिशा कहती है क्या तुम यहाँ पर रहोगे हमारे साथ इसके बाद हीरोतो अपना चेहरा पकड़ लेता है और कहता है कि ये अच्छा बवाल करेगा तभी यहाँ पर रिशा को ना चाहते हुए भी यूकी को हाँ करनी पड़ती है बिकॉज यूकी हीरो तो का काफ़ी वफादार सेक्रेटी है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है सो मिलते हैं इस ड्रामा के लास्ट पार्ट के साथ तब तक के लिए बाय ठीक है गाइस